नाथ मिश्र, ईशान मिश्र महाभारत के इस 34वें एपिसोड को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पिछले एपिसोड में भूरिश्रवा का हाथ कैसे कटा उसे मैंने आपको सुनाया था। अब भूरिश्रवा के मोक्ष का मामला आता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें परम धाम प्रदान किया। इस प्रकरण को आप सुने। भूरिश्रवा ने भूरिश्रवा के दृश्य को देख करके कौरवों ने जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की निंदा किया तो अर्जुन उससे क्षुब्ध हो गए। भूरिश्रवा की प्रशंसा करने वाले अर्जुन ने पुनः क्रोध में आकर के भूरिश्रवा के भी खराब पक्ष का उद्गार जो व्यक्त किया था पिछले एपिसोड में, मैं उन पंक्तियों को फिर से आपको दोहराता हूँ। उसके बाद आगे की कहानी मैं आरंभ करता हूँ। बधसो मदत्ति भूरिश्रव का अति उत्तम, जो कृत सहाय तब दुर्योधन नीचाधम। रक्षण कर्तव्य हमारा है उन सब का, जो युद्ध करत मम हेतु हुए रिपुवश का। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था कि निहत्था करके क्षत्रिय धर्म से नीचे गिर करके किस तरह से अभिमन्यु बालक का वध किया गया था, और भूरिश्रवा भी उसमें दोषी थे। इसलिए उन्होंने कहा कि उनका वध उत्तम ही था। अब इसको देख करके भूरिश्रवा को भी अपनी भूल का ज्ञान होता है और अंतिम समय में वह फिर प्राणायाम की ओर अग्रसर होते हैं और समाधि के द्वारा वह सनातन परब्रह्म का ध्यान करने का जो है उपक्रम रचते हैं। और वह जो करते हैं पहले आप उसको सुने। सुनत धनंजय के वचन भूरिश्रव चुप होत, भूमि छुवत निज भाल से एक हाथ भूदेत। फिर से सुने। सुनत धनंजय के वचन भूरिश्रव चुप होत, भूमि छुवत निज भाल से एक हाथ भूदेत। एक हाथ से जमीन को पकड़ करके वह मस्तक से पृथ्वी को स्पर्श करते हैं और उन्हें प्रणाम करके वह पृथ्वी का उल्लंघन करने की अपनी विचारधारा को वह अपने मन में अपनाते हैं। अपने बाएं हाथ से कटा दाहिना हाथ, ठेके तह भूरिश्रवा जह अर्जुन हरि साथ। फिर से इस पंक्ति को आप सुने, इस दोहे को। अपने बाएं हाथ से कटा दाहिना हाथ, ठेके तह भूरिश्रवा जह अर्जुन हरि साथ। भगवान कृष्ण और अर्जुन की तरफ उन्होंने अपने कटे हुए हाथ को, दाहिने हाथ को बाएं हाथ से फेंक दिया। और इस दृश्य को देख करके अर्जुन के अंदर फिर दया का भाव उदय होता है और उन्होंने यूप केतु यज्ञशील भूरिश्रवा को आशीर्वाद देते हुए जो कहते हैं उसको आप सुने। बोले धनंजय यूप के तो जाइए उस लोक में, जिसमें गमन शिवी ने किए निज सत्य बल के तेज में। आयसु तुम्हें मैं दे रहा इच्छा महात्मा कृष्ण की, ऐसी रही है हे विभो गति पाइए कृत पुण्य की। यह जो है अपना आयुष देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, आज्ञा देते हैं, आयुष मानी आज्ञा। फिर से उनकी आयुष को आप सुने, भगवान अर्जुन के वचनों को।
बोले धनंजय यूप के तो जाइए उस लोक में जिसमें गमन शिवी ने किए निज सत्व बल के तेज में जिसमें गमन शिवी ने किए निज सत्य बल के तेज में। महाराष्ट्र भी जिस लोक में गए हैं अपने सत्य के बल पर उसी में आप जाइए। आयसु तुम्हें मैं दे रहा इच्छा महात्मा कृष्ण की ऐसी रही है हे विभो गति पाइए कृत पुण्य की। भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुष्ट किया अर्जुन के आदेश को और उन्होंने अपने दिव्य धाम की ओर इशारा करते हुए भूरिश्रवा को पुनः आशीर्वाद दिया। उनके बाद भगवान केशव ने कहा उस लोक में तुम जाइयो ब्रह्मा सदृश सुर श्रेष्ठ चाहे लोक जो तुम पाइयो। हे अग्निहोत्री यज्ञ करता मम प्रकाशित धाम वह। हे अग्निहोत्री यज्ञ करता मम प्रकाशित धाम वह मत तुल्य हो विचरण करो बैठे गरुत मन यान तह। मेरी समान तुम भी गरुण पर विराजमान होकर के अंतरिक्ष में विचरण करो विभिन्न लोकों में तुम जाओ अर्थात मेरे स्वरूप को तुम प्राप्त करो मेरी शक्तियों को प्राप्त करो मेरे दिव्य धाम में चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से भूरिश्रवा को आशीर्वाद दिया और वह मृत्यु की तरफ अग्रसर होने लगे। परंतु एक घटना घटती है उसे आप सुनेंगे। भूरिश्रवा जब सात्यकी का केश छोड़ा हाथ से उठकर खड़े हो सात्यकी क्रोधित हुए तलवार से। भूरिश्रवा चैतन्य हुए उन्होंने हाथ उनके केशों को छोड़ दिया था। सात्यकी को जब शक्ति आई चेतना आई तो उन्हें दुख हुआ कि मैं भूरिश्रवा को मारने से वंचित रह गया एक हाथ काट दिया गया है नहीं तो मैं ही युद्ध में मारता मेरी परिस्थिति शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी मैं बध नहीं कर सका इस यश से मैं वंचित रह गया और उस यश को की क्षतिपूर्ति करना चाहते थे इसलिए समाधि में बैठने वाले भूरिश्रवा का भी वध करने को वह उद्यत हो गए। मैं इस पंक्ति को फिर से कहता हूं। भूरिश्रवा जब सात्यकी का केश छोड़ा हाथ से उठकर खड़े हो सात्यकी कोपित हुए तलवार से। सिर काटने भूरिश्रवा का वेग से उद्यत हुए जो छिन्न बाहु पार्थ से अति दीन दुर्बल हो गए। उस दुर्बल भूरिश्रवा का वध करने के लिए वह तत्पर हो गए तलवार से। लोगों को अच्छा नहीं लगा लोग उन्हें रोकते हैं कौन कौन रोकते हैं क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के नजदीक थे उनके वध करने की हिम्मत कौरवों को नहीं थी वह केवल चीत्कार कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा कि समाधि की ओर जाने वाले भूरिश्रवा का सिर काटना चाहते हैं वह रोकते हैं और आप क्या होता है उसको आप सुने। वारण किए श्री कृष्ण अर्जुन भीम ने शिनिवर्य को दो चक्र रक्षक पार्थ की भी रोकते उस कर्म को। दोनों चक्र रक्षक थे उत्तमोजा और युधामन्यु अर्जुन के जो दोनों चक्र रक्षक थे उन लोगों ने भी रोका कि आप इस समय उनका वध मत करिए।
भृगसेन द्रोणाचार्य सुत कृप कर्ण सैंधव रोकते सैनिक सभी बहु भांति सात्यकि को रहे थे कोसते। कर्ण पुत्र भृगसेन भी रोकता है, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा भी रोकता है। कर्ण ने स्वयं रोका, सिंधुराज पीछे छिपा हुआ था वो भी चित्कार करता है, ये समग्र ध्वनि सुनाई देता है। लेकिन उनकी मन की दशा ठीक नहीं थी, वो वध ही करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी का नहीं सुना। सुन कर सभी कुछ नहीं सुने, दुर्बल दशा मन की लिए, भूरी श्रवा का खंग से बध सात्यकी ने कर दिए। फिर हो खड़े रणभूमि में, बोले अधर्मी सब सुने, मुझसे कहे बध मत करो, बहुवार तुम धर्मी बने। कौरवों को उपालम्ब देते हैं कि तुम मुझे रोक रहे हो, अपने पापों का ख्याल करो। उन्होंने फिर उस दर्दनाक दृश्य को उन्होंने भी इंगित किया जिसको अर्जुन ने किया था। तुम धर्म का चोला पहन कर पाप ही करते गए, निःशस्त्र कर तुमने सुभद्रा पुत्र की हत्या किए। जो धर्म आया याद तुम सब पापियों को तब नहीं, क्यों धर्म आया याद तुम सब पापियों को तब नहीं। सुन कर हुए सब मौन, कौरव शंख के शव बज रही। भूरिश्रवा की हत्या हो गई और सबने रोका, परंतु सात्यकी माने ने उनकी हत्या कर डाले और उन्होंने उत्तर भी दे दिया कौरवों को। कौरव चुप रह गए, परंतु वह रथ से हीन थे। भगवान ने इस दृश्य को देख करके अपने अपनी अपने शंख को, पांडित्य शंख को ऋषभ स्वर में बजाया और उन्होंने पहले से अपने रथ को तैयार करके रखा था। इसको मैं कर्ण युद्ध के समय सुनाऊंगा, सात्यकी कर्ण युद्ध में। और वह ऋषभ स्वर से जब सुनाते हैं तब संघ बजाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का रथ चला आता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। वह रथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर आता है और सात्यकी सत्य के पुत्र सात्यकी उस पर आरूढ़ होते हैं। शंखनाद सुन आ गया केशव रथ तत्काल, अस्त्र शस्त्र सज्जित हुआ बैठे सत्यक लाल।